देखिए, चिराग पासवान कल अयोध्या के राम मंदिर में बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और उनकी पत्नी कैटरीना कैफ के साथ चिराग पासवान नजर आए। अपने पुराने साथी से कई साल बाद चिराग पासवान मुलाकात किए। हम इसलिए कह रहे हैं पुराने साथी, क्योंकि चिराग पासवान राजनीति में आने से पहले बॉलीवुड के अभिनेता थे। चिराग पासवान भी मुंबई में अभिनेता के किरदार में नज़र आते थे। और जब बात कल अयोध्या में राम मंदिर की, जहां चिराग पासवान गए, चिराग पासवान को निमंत्रण मिला था। और जब चिराग पासवान बॉलीवुड के अभिनेता विक्की कौशल और उनकी पत्नी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ चिराग पासवान नज़र आए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर चिराग पासवान अपलोड करते हैं और कैप्शन में लिखते हैं कि बॉलीवुड के कुछ पुराने साथियों से मुलाकात किए। देखिए, कल 22 जनवरी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा था, और उसके बाद से पूरे देश में राम की खूब चर्चा हो रही है। जय श्री राम के नारे भी लगे, चारों तरफ दीपावली जैसा माहौल था। और कल अयोध्या से जो तस्वीर निकल कर आई, वो भी भावुक करने वाला क्षण था। 500 साल बाद प्रभु श्री राम के लिए इतना अच्छा राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तमाम पूरा देश राममय हो चुका है। और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं हम, बॉलीवुड अभिनेता चिराग पासवान राजनीति से पहले 2014 में जब पहली बार जमुई से चिराग पासवान चुनाव लड़े, उससे पहले चिराग पासवान मुंबई में फिल्म अभिनेता का काम करते थे। चिराग पासवान का एक मूवी भी आया, मिले न मिले हम, और उस मूवी में बतौर अभिनेता चिराग पासवान दिखाई दिए। उस मूवी का एक गाना काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ, और उसके बाद चिराग पासवान राजनीति के तरफ रुख किए। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान बिहार के राजनीति के साथ साथ देश के बड़े नेता में उनका नाम आता है। और रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान साल 2014 में पहली बार जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, और 1,00,000 से अधिक वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। और साल 2019 में दोबारा जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़े, और पहली बार से ज़्यादा दूसरी बार चिराग पासवान उनको वोट मिला। और अब चिराग पासवान पूरे बिहार में जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और उनका कद बढ़ रहा है, बिहार के आप कह सकते हैं कि चर्चित युवा नेता में चिराग पासवान का नाम सबसे आगे आता है। और अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, चिराग पासवान का जलवा अभी से ही कायम है। हालांकि कल चिराग पासवान अयोध्या के राम मंदिर में गए हुए थे, अयोध्या के राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा था उसमें चिराग पासवान शामिल हुए। बॉलीवुड के अभिनेता विक्की कौशल और कैटरीना कैफ से चिराग पासवान मुलाकात किए, तस्वीरें भी लिए। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर चिराग पासवान कैप्शन में लिखे कि पुराने साथियों से मुलाकात हुआ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।